प्रेम प्रणाम जी, प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आकाश श्रीवास्तव, मुझे राज जी ने कनाडा से अपने सपरिवार इस वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने का न्योता मुझे दिया। राज जी की मेहर से मैं पहली बार वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला। कुछ साल पहले तक मैं भी तारतमवाणी से अनभिज्ञ था, लेकिन राज जी ने अपनी निस्बत जानकर मुझे अपने चरणों में उन्होंने बुला लिया। स्वामी जी द्वारा वाणी, टीका, भावार्थ एवं चर्चा मुझे अंतरात्मा तक छू लिया। अब तो ऐसा लगता है मैं उस भीड़ का कभी हिस्सा था ही नहीं, और जो मेरा संबंध राज जी से है वो हमेशा रहेगा। वार्षिकोत्सव में मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे हम यहाँ मायावी ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, जहाँ पे स्वामी जी द्वारा दी गई चर्चा से हमें अमृतमयी आईवी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में घुल रहा है और हमारी आत्मा आनंदित करने के साथ साथ माया के विकारों को दूर कर रही है। सिर्फ चर्चा ही नहीं, मॉर्निंग में चितवनी, चर्चनी और योगा अभ्यास द्वारा आदि कार्यक्रमों के द्वारा हम माया की बीमारियों को दूर करके धनी के चरणों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप का भी आयोजन हुआ जो शारीरिक रोगों को दूर करने में सहायक हो रहा है, ताकि हमारा शरीर भी माध्यम बनकर राज्य के चरणों में अपने राज्य के चरणों और अपने परमधाम पहुंचने में सहायक हो सके। यहाँ का सात्विक एनवायरनमेंट और सात्विक भोजन उस उपचार के लिए हमें बहुत हेल्पफुल कर रहा है और हमें हेल्प कर रहा है। इतना ही नहीं, जब हम यहाँ से जाएंगे तब साहित्य रूपी वैक्सीन अवश्य अपने साथ हम लेके जाएंगे, ताकि जो हम आत्मिक इम्यूनिटी लेकर यहाँ से जा रहे हैं वो हम यहाँ वो अपना मेंटेन कर सकें, ताकि हम मायावी नए प्रकार के वायरसेस से लड़ सकें। आशा करता हूँ यहाँ पे मौजूद सभी सुंदर साथ को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा जैसा मुझे हुआ है, और जो सुंदर साथ किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं वो भी अगले साल प्रयत्न करें यहाँ पे आने का और इस तरीके के आनंद लेने का। अंत में मैं सेवादार सुंदर साथ का अपने तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने जिस सेवा भाव से, जिस भाव भीनी से यहाँ पे सेवा की है, उसके लिए मैं कत-कत नमन हूँ। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो संभव है कि मेरे शब्दों से बहुत त्रुटियाँ हुई होंगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेम प्रणाम जी।